तो दगड़ियों का अच्छा नमस्कार, पहला सुबह की राम राम। रमेश दा इज बैक और जग चुके हैं हम, 8 बजे हैं, 8 बजे जग चुके हैं। देखे कौन कौन जगह है, कौन कौन जगह है, मम्मी जग गई हैं। और सबसे पहले मम्मी के पांव छू लेते हैं, ये। और यहाँ पे पापा भी जग गए हैं, पापा के भी पांव छू लेते हैं। और दगड़ियों तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रेश होंगे और ठंडे पानी से नहाएंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए? नहीं, ऐसा है हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में लोग पहले ठंडे पानी से नहाते थे, लेकिन वो पानी जो होता था स्रोत का पानी होता था। तो ये भी तो स्रोत ना, ये स्रोत का पानी नहीं, ये आपके टैंक का पानी है, टेप में आया हुआ है। और आपके यहाँ कम से कम, ये आपको मालूम है, ये यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। अब मेरे तो ठंडे पानी से नहाने की आदत हो। ना ना, आपको आदत चेंज करनी पड़ेगी, या तो आप स्रोत के पानी में नहाइए। हाँ, स्रोत का पानी ले जाओ। स्रोत का पानी तो यहाँ है ही नहीं अब। नहीं नहीं, अब मैं 1 साल से ठंडे पानी से ही तो नहा रहा हूं। ना ना, स्रोत का पानी यहाँ नहीं ना। जैसे हम भी नहाते थे, हम बचपन में हम भी क्या कहते हैं नहाते थे, लेकिन हम पिथौरागढ़ में जो चंद्रभागा धारा था उसमें जाकर के नहाते थे सुबह 4 बजे दिसंबर के महीने, लेकिन बहुत ही बढ़िया गर्म पानी रहता था। तेरे पापा ने 2 बाल्टी पानी भरे। तो रगड़ियों, पापा मम्मी तो कह रहे हैं गर्म पानी से नहाओ, लेकिन मैं तो ठंडे पानी से ही नहाऊंगा, स्रोत का पानी, ये ठंडे पानी से नहा कर। तो रगड़ियों बिल्कुल झाड़ू लगा रहा है, अच्छे से लगा, बल अच्छे से लगा के रहे हैं। नीचे नीचे को पूरा अच्छे से निकाल के लगा। तो दगड़ियों मैं जाता हूँ नहाने, थोड़ा डर लग रहा है मेरे को, रोज डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत होती है, और कोई दिन भर फिर हमें कॉन्फिडेंस रहता है दगड़ियों। तो जाता हूँ अब मैं और नहा के आता हूँ। तो दगड़ियों, रमेश दा ने नहा लिया ठंडे पानी से, बहुत ठंडा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, कमर में बिल्कुल करंट दौड़ गया। तो दगड़ियों मैं किचन में आ गया हूँ, और मम्मी क्या बना रही है आज, क्या बना रही है? चावल मास्ते माड़े, चावल मास्ते माड़े, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो नाश्ता तैयार हो गया है, ये क्या है, चावल के माड़े, चावल और मास्के, ये क्या है, बंद गोभी की सब्जी, राई की सब्जी, ये और सिमई। तो अब हम नाश्ता करेंगे। तो माड़े तो बहुत स्वादिष्ट बने थे, और अभी मैं खा रहा हूँ सिमई। और अभी के लिए इतना ही, और कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, दिवाली की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, साफ सफाई का काम चल रहा है, और चारों तरफ यहाँ पे भी साफ सफाई का काम चल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल साफ करने में लगा है। और अभी मैं आपको दिए दिखाता हूँ, दिए हमें इसमें निकालने हैं सारे, ये सब दिए निकाल के इसमें लगाने हैं रात में। और पापा भी कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? ये मैं जरा शुभ दीपावली का लगा रहा हूँ ना। अच्छा, आज छोटी दिवाली हुई, आज से दिवाली शुरू हुई, आज छोटी दिवाली भी है। और यहाँ पे कृष्णकांत भाई पेंट कर रहे हैं ये इसमें। तो देख सकते हैं आप, मैंने आधे दिए यहाँ पे धो के रख दिए हैं, और ये धो के कितने साफ हो गए हैं, चमक रहे हैं बिल्कुल धूप में। और अभी आधे दिए और निकाल रहे हैं, इनको भी चमकाना है। तो वर्कर्स के चाय का समय हो गया है, और अभी हम इनको चाय पिलाएंगे। लो भैया, ठीक है। और अभी ये माला हम ऊपर लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये कितनी सुंदर माला है, नहीं है। और बिल्कुल चढ़ के ऊपर लगा रहा है, नीचे की। और मैंने आधे बचे कुछ दिए भी धुल दिए हैं, और ये देख सकते हैं आप, आज नाश्ते में बने थे चावल के माड़े और सिमई। अब मैंने खा तो लिया है, लेकिन पेट तो भर गया है, लेकिन मन भरा नहीं है,
तो मैं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी बिग कैट आई हुई है, भाग जा रही है। पर आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। बढ़िया सी कैट आई हुई है, यहाँ पे ब्लैक कैट है। बढ़िया कैट है। बढ़िया कैट आई हुई है।